अपने तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या क्या करते हो? मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने आप साथ। ओह यार, हंसते रहते हो और वो मेरी आदत है। और नहीं बस इतने भी काम हो जाता है। लड़कों का आ जाते हैं। लो वो मैं बुलाती नहीं हूँ। इनडायरेक्टली बुलाते हो? इनडायरेक्टली तो बुलाते ही हो। हंस के वो भाई मेरा काम है हंसना यार। मैं वही तो काम है तुम्हारा। शाबाश बेटा, आपको सच्चे प्यार पे यकीन है कि टाइम पास पे यकीन है? मुझे किसी पे यकीन नहीं, मुझे प्यार पे भरोसा नहीं। जो फैमिली का प्यार होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस मुझे एक ही प्यार पे भरोसा है, वो भी फैमिली का प्यार। वाओ, बाकी नहीं, बाकी ऐसे ही है। मोह माया, मोह माया। तो मोह माया एक उम्र के साथ करनी भी चाहिए। अब तो एज हो गई आपकी। नहीं, ऐसा नहीं है कि करनी चाहिए। मैं अपना मेरा ये है कि मैं अभी जब मेरी लाइफ में मैं सक्सेस नहीं हूँ तो मेरा ये सब पढ़ना बहुत बेकार है। सक्सेस हो जाओगे फिर करोगे? हाँ, फिर वो भी शादी करूँगी फैमिली की मर्जी से। हो शादी सीधा? यस। अच्छा, आपको 5 लाख रुपए महीने दिया जाए, ठीक है, सैलरी, और इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जाने बोला जाए। कभी नहीं जाऊँगी। कौन सा देश जाना चाहोगे? किसी भी देश नहीं। मुझे 5 लाख के मुझे 10 लाख ही लेंगे तब भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि घूमना चाहती हूँ मैं, पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा ऑप्शन उसमें है कि आप इंडिया छोड़ के फिर परमानेंटली छोड़ना है? ऐसे कोई ऐसा नहीं जा सकती मैं। नहीं, मुझे 10 लाख मिले मैं तब भी नहीं जाऊँगी। मगर क्यों परमानेंटली छोड़ना और फिर इंडिया कभी आना नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती मैं कभी। मुझे बहुत प्यार है अपने देश से, अपने भारत से। अपने देश से प्यार है कि कम्फर्ट जोन से प्यार है? हाँ, ये भी है कि जितनी फ्रीडम हमारे इंडिया में है उतनी कहीं नहीं है। और अपने टाइप के लोग हैं तो टाइम पास भी हो जाता है। अब मैं वहाँ पे, या मुझे इतनी इंग्लिश तो आती नहीं है, मैं क्या बात तो सही है क्या सुनूंगी, वो भी पता नहीं क्या बोल के चले जाएंगे, गाली भी दे देंगे, पता भी नहीं लगेगा मुझे। अच्छा, ऐसा क्या है जिसे तुम सिर्फ अंधेरे में ही देख सकते हो? अंधेरे में देख सकती हूँ अपनी आगे। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं तो अपनी आंखें देख सकती हूँ, बहुत बहुत बड़ी बड़ी है, मैं मिरर में देखती हूँ, अभी भी चमकती है। अंधेरे में कैसे दिखेगा? उन देख सकते हैं, अंधेरे में मजा आता है देखने में। ये बताओ, अगर आप एक प्लेन में हो, ठीक है, अब प्लेन क्रैश हो जाए, कैसे बचोगे? पैराशूट से। क्रैश हो गया तो इतना मौका मिलेगा कि तुम पैराशूट खोलोगे? तो मैं प्लेन में नहीं बैठूंगी। वुमेन तो बैठ ही गए हो जब, तब क्रैश होगा ना? ऑप्शन वहाँ नहीं है। ये सब सोचना बंद कर दो जो बता रहा हूँ, बच जाओ। प्लेन में हूँ ही नहीं, सोचना बंद करके इसका आंसर लिखा है। कि कोई चीज़ बताओ जो ऊपर से नीचे आती है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाती। बारिश। अब ऐसी कोई चीज़ बताओ जो नीचे से ऊपर जाती है, बस नीचे से ऊपर जाती है। फूल, मट्टी, इंसान, आत्मा। मजा नहीं आ रहा है। आत्मा? यस, आत्मा नहीं, वो है वाष्प। अच्छा, ये बताओ जो लड़कियां होती है, ठीक है, उनका असली चेहरा कौन देखता है? उनकी मम्मी। अच्छा, वही देख सकती है ना विदाउट मेकअप? तो आप लोग अभी मेरा देख रहे हो। क्यों? विदाउट मेकअप हूँ मैं। विदाउट मेकअप हो? खूबसूरती का क्या राज है? बिना मेकअप के कैसे खूबसूरत हो? ठंड में भी नहाना पड़ता है। ठंड में कुछ भी खाना पड़ता है, इसलिए मेकअप की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे जो बाकी लड़कियां सोच रही हैं कि मेकअप के बिना काम नहीं होगा, उनको क्या बोलना चाहते हो? ऐसा नहीं है यार, जो भी कुछ है ना रियल रखो, ठीक है, जो तुम्हें पसंद करेगा वो तुम्हें ऐसे भी करेगा, वरना तो मेकअप मतलब करना चाहिए। देखो, मेकअप भी गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर मेकअप नहीं किया तो गर्ल्स कैसी? यार तुम दोनों तरफ बातें करते हो। हाँ, तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है।